الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ दुआए अत्तार या रब्बल मुस्तफ़ा। जो कोई 17 सफहात का रिसाला नौजवान की तौबा पढ़ या सुन ले उसे अपना और अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी का फरमा बरदार बनाकर बेहिसाब मगफिरत से नवाज दे। आमीन बिजाही खातिमिन नबीगीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान की तौबा, दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों यानी घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नौजवान की तौबा। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की तौबा की रिवायात व हिकायात 132 सफहात सफहा नंबर 75-77 पर है। हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह ताला अली ने एक इज्तिमा में अपने बयान के दौरान सामने बैठे हुए एक नौजवान से फरमाया, कोई आयत पढ़ो। तो उसने सूरतुल मुमिन की आयत नंबर 18 तिलावत की। वअनذرهم يوم العازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع। तर्जमे कंजुल ईमान। और उन्हें डराओ उस नजदीक आने वाली आफत के दिन से जब दिल गलों के पास आ जाएंगे गम में भरे और जालिमों का न कोई दोस्त न कोई सिफारिशी जिसका कहां माना जाए। यह आयत मुबारक सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, कोई जालिम का दोस्त या मददगार किस तरह हो सकता है, क्योंकि वो तो अल्लाह पाक की गिरफ्त यानी पकड़ में होगा। बेशक तुम सरकशी करने वाले गुनाहगारों को देखोगे कि उन्हें जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा और वो बरहना यानी नंगे होंगे। उनके जिस्म बोझल, चेहरे सियाह यानी काले और आंखें खौफ से नीली होंगी। वो चिल्लाएंगे, हम हलाक हो गए, हम बर्बाद हो गए, हमें जंजीरों में क्यों जकड़ा हो गया है, हमें कहाँ ले जाया जा रहा है और हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। फरिश्ते उन्हें आग के कोड़ों से मारते हुए हाँकेंगे, कभी वो मुंह के बल गिरेंगे और कभी उन्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। जब रो रो कर उनके आंसू खत्म हो जाएंगे तो खून के आंसू बहने लगेंगे, उनके दिल दहल जाएंगे और हैरान व परेशान होंगे। अगर कोई उन्हें देख ले तो उन पर निगाह न जमा सके, न ही अपना दिल संभाल सके। ये होलनाक मंजर देखने वाले के बदन पर लर्जा तारी हो जाए। ये फरमाने के बाद हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह ताला ले बहुत रोए और एक आहे सर्द दिले पुर दर्द से खींच कर फरमाया, अफसोस कैसा दिल हिला देने वाला मंजर होगा। ये कहकर फिर रोने लगे। आप रहमतुल्लाहि ताला अली को रोता देखकर हाजरीन भी रोने लगे। इतने में एक नौजवान खड़ा हो गया और कहने लगा, या सैयदी, क्या ये सारा मंजर बरोज़े क़यामत होगा? आप रहमतुल्लाहि ताला अली ने जवाब दिया, हाँ, ये मंजर ज्यादा तवील नहीं होगा, क्योंकि जब उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो उनकी आवाज आना बंद हो जाएगी। ये सुनकर नौजवान ने एक चीख मारी और कहा, अफसोस, मैंने अपनी जिंदगी गफलत में गुजार दी, अफसोस मैं कोताहियों का शिकार रहा, अफसोस मैं खुदाए बारी की इताअत व फरमा बरदारी में सुस्ती करता रहा, आह मैंने अपनी जिंदगी बेकार जाय कर दी। ये कहकर वो रोने लगा। कुछ देर बाद उसने रब्बे कायनात की बारगाह बेकस पनाह में यूं मुनाजात की, ए मेरे परवरदगार,
मैं गुनाहगार तौबा के लिए हाजिर दरबार हूँ। मुझे तेरे सिवा किसी से कोई सरोकार नहीं। गुनाहों से माफी देकर मुझे कबूल फरमा ले। मुझ समेत तमाम हाजरीन पर अपना फजलो करम फरमा और हमें जूदो नवाल यानी अता व बख्शिश से माला माल कर दे। या अरहमर राहिमीन यानी ए सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाले, मैंने गुनाहों की गठड़ी तेरे सामने रख दी है और सच्चे दिल से तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। अगर तू मुझे कबूल नहीं फरमाएगा तो यकीनन मैं हलाक हो जाऊंगा। इतना कहकर वो नौजवान गश खाकर गिर पड़ा और चंद रोज बिस्तरे अलालत पर गुजार कर यानी बीमार रहकर मौत से हमकनार हो गया। उसके जनाजे में बेशुमार लोग शरीक हुए। रो रो कर उसके लिए दुआएं की गई। हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह ताला अलैह अक्सर उसका जिक्र अपने बयान में किया करते। एक दिन किसी ने उस नौजवान को ख्वाब में देखा तो पूछा, मा फअलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो उसने जवाब दिया, मुझे हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के इज्तिमा में बरकतें मिली और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातिमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ख्वाब में बारगाह रिसालत में तिलावत की सआदत। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने बाअमल मुबल्लिगीन का बयान किस कदर पुर असर होता है। खौफे खुदा रखने वाले मुबल्लिग का बयान तासीर का तीर बनकर गुनाहगार के जिगर से आर पार हो जाता और बसा औकात उसकी दुनियाओं आखिरत सवार देता है। हजरत सालेह मुर्री रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े जबरदस्त कारी भी थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की किरात में सोज ही सोज होता था। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक बार मैंने ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने कुरान करीम की तिलावत की सआदत पाई। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए सालेह, ये तो किरात हुई, रोना कहाँ है? अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातिमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिलावत में रोना कारे सवाब है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान करीम की तिलावत करते हुए रोना मुस्तहब है। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान पाक की तिलावत करते हुए रोओ, अगर रो न सको तो रोने की सी शक्ल बनाओ। अता कर मुझे ऐसी रिक्कत खुदाया, करूँ रोते रोते तिलावत खुदाया। मरने से चंद माह पहले इनफरादी कोशिश। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तिलावत करते या सुनते हुए रिक्कत तारी होना, आंखों से आंसू जारी होना यकीनन बड़ी सआदत की बात है, मगर शैतान के वार से खबरदार। रोना एक ऐसा अमल है कि इसमें रिया का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, लिहाजा दुआ वगैरह में बिलखसूस दूसरों के सामने रोने में रिया से बचना जरूरी है कि रियाकार अजाब नार का हकदार होता है। तिलावत व नात में इखलास के साथ रोने रुलाने का शौक बढ़ाने के लिए आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। अपने ईमान की हिफाजत के लिए उड़ते रहिए। नमाजों की पाबंदी जारी रखिए। सुन्नतों पर अमल करते रहिए। नेक आमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारिए और इस पर इस्तकामत पाने के लिए रोजाना जायजा लेकर नेक आमाल का रिसाला पूर करते रहिए और हर माह की पहली तारीख को अपने यहाँ के दावत इस्लामी के जिम्मेदार को जमा करवा दीजिए और अपने इस दीनी मकसद, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है कि हुसूल की खातिर पाबंदी से हर माह सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए कम अज कम 3 दिन के मदनी काफले में आशिकाने रसूल के हमराह सुन्नतों भरा सफर कीजिए। आइए आपकी तरगीब व तहरीस के लिए एक मदनी बहार सुनते हैं। एक मुबल्लिग जो कि रोजाना पाबंदी से चौक दर्श देते थे,
एक शख्स जो कि सुन्नतों भरी तहरीक दावत इस्लामी को पसंद नहीं करता था, उसने बर बिनाए तासुब यानी तासुब की वजह से थाने में मुबल्लिग के खिलाफ झूठी रपट दर्ज करवाई कि ये इलाके में इंतशार फैला रहे हैं। पुलिस आई और उस आशिक रसूल को थाने ले गई। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग ही होता है। चुनांचे एक मुजरिम से मुलाकात पर उन्होंने इनफरादी कोशिश करके उसको दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नत बरी इज्तिमा में शिरकत के लिए तैयार कर लिया। उसने कहा, मैं कैद से रिहा होऊंगा तो जरूर हाजिरी दूंगा, क्या आप मुझे वहां मिलेंगे? मुबल्लिग ने कहा, इंशाअल्लाह। फिर उन्होंने अपना हल्का नंबर वगैरह बताया कि मैं इज्तिमा में वहां होता हूं। पुलिस ने उसका हुस्न अखलाक वगैरह देखकर हकीकत हाल जान ली और माजिरत तलब करते हुए उस आशिक रसूल को बाइज्जत रुख्सत कर दिया। चंद माह बाद वो मुजरिम जब जेल से रिहा हुआ तो दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैजान मदीना के अंदर हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा में पहुंचा। उसने बयान सुना, जिक्र और दुआ में उस पर रिक्कत तारी हो गई और उसने रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा की। दुआ के बाद उस मुबल्लिग को जिन्होंने थाने में नेकी की दावत दी थी तलाशते हुए जब उनके बताए हुए हलके में पहुंचा तो एक इस्लामी भाई ने बताया कि अभी पिछले मंगल ही उन मुबल्लिग का इंतकाल हुआ है। ये सुनना था कि वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि जिंदगी में किसी ने पहली बार नेकी की दावत दी और उसकी वजह से मैंने तौबा की। हाय अफसोस, मैं अपने उस मोहसिन से दोबारा मिल भी न सका। एक आशिक रसूल ने इनफरादी कोशिश करते हुए उनका जहन बनाया कि अब आप उनसे मिल तो नहीं सकते मगर उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, और इसका एक तरीका ये भी है कि उनके ईसाले सवाब के लिए आज सुबह ही हाथों हाथ सुन्नतों की तरबियत के एक माह के मदनी काफले में आशिकाने रसूल के साथ सुन्नत भरा सफर कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाथों हाथ एक माह के लिए आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफले में सफर पर रवाना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो साबिका मुजरिम दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं, जबकि इससे पहले माज़अल्लाह वो शराब के अड्डे चलाते थे। आप थाने में भी, जेल खाने में भी, हर जगह पर कहें काफले में चलो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग होता है। हर वक्त हर जगह अपना लिबास और अपना अंदाज सुन्नत भरा रखता है, चाहे महल्ले में हो या बाजार में, जनाजे में हो या शादी की बारात में, दवाखाने में हो या अस्पताल में, बाग में हो या किसी की तदफीन के लिए कब्रिस्तान में, जहां मौका मिला झट नेकी की दावत के मदनी फूल बरसाना शुरू कर देता और अपने लिए सवाब का खूब जखीरा कर लेता है। मस्कूरा मदनी बहार से मालूम हुआ कि मरहूम आशिक रसूल मुबल्लिग का जज्बा भी क्या खूब था कि जुल्मन किसी ने थाने में ला खड़ा किया तो वहां भी नेकी की दावत के दीनी काम में लग गए, और एक शराब का अड्डा चलाने वाले की तौबा और उसके मुबल्लिग दावत इस्लामी बनने का सबब बनकर खुद सदा के लिए आंखें मूंद ली। अल्लाह पाक की मरहूम आशिक रसूल मुबल्लिग पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातिमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर चले तू गले लगाना मदनी मदीने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह का प्यारा बनाने वाले लोग सरवर कौनैन नानाए हसनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में खबर न दूं जो ना अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से है
न शोहदा में से, लेकिन बरोज़े क़यामत अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और शोहदा उनके मकाम को देखकर रश्क करेंगे। वो लोग नूर के मिंबरों पर बुलंद होंगे। ये वो लोग हैं जो अल्लाह पाक के बंदों को अल्लाह पाक का महबूब यानी प्यारा बंदा बना देते हैं और वो जमीन पर लोगों को नसीहतें करते चलते हैं। अर्ज की गई, वो किस तरह लोगों को अल्लाह पाक का महबूब यानी प्यारा बना देते हैं? फरमाया, वो लोगों को अल्लाह पाक की महबूब यानी पसंदीदा बातों का हुक्म देते हैं और अल्लाह पाक की नापसंदीदा बातों से मना करते हैं। बस जब लोग उनकी इताअत करेंगे तो अल्लाह पाक इन्हें अपना महबूब बना लेगा। मुबल्लिग महबूब ही नहीं, महबूब गर होता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने नेकी की दावत की धूमें मचाने वालों की भी कैसी बुलंद बाला शाने हैं। बरोज़े क़यामत उन पर रब्बुल अनाम का इनाम व इकराम देखकर अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और शुहदाए उज़्ज़ाम भी रश्क करेंगे। यहाँ रश्क यानी गिबता से मुराद ये कि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और शुहदाए उज़्ज़ाम उनके मर्तबे को देखकर बहुत खुश होंगे और उनकी तारीफ व तहसीन करेंगे। या मतलब ये कि अगर हजरात अंबियाए किराम व शुहदाए उज़्ज़ाम किसी पर रश्क करते तो उन पर करते इस अजमत व शान का सबब क्या होगा? यही कि वो नेकी की दावत और बदी की ममानअत के जरिए लोगों को बाअमल बनाकर उन्हें अल्लाह पाक का महबूब बनाते होंगे। जब वो दूसरों को अल्लाह पाक का महबूब बनाते होंगे तो खुद क्यों ना महबूब होंगे। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं कुछ, तुम जिसे चाहो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयदना हसन बसरी और एक सरमायादार। नेकी की दावत का सवाब कमाने में हमारे औलियाए किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम बहुत पेश पेश हुआ करते थे और इस मामले में किसी से मरऊब भी नहीं होते, यानी रोब में भी न आते। चुनांचे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने शागिर्दों के हमरा कहीं तशरीफ लिए जा रहे थे कि एक रईस यानी सरमायादार को निहायत सज धज के साथ अपने गुलामों के झुरमट में घोड़े पर सवार गुजरता देखा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे इस्तफसार फरमाया, कहाँ का इरादा है? अर्ज की, बादशाह के दरबार में जा रहा हूँ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस पर इनफरादी कोशिश करते हुए फरमाया, ए भाई, आपने खूब उम्दा लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया है, फिर इसे खुशबुओं से भी बसाया है और हर तरह से अपने जाहिर को भी सजाया है। यकीनन ये महज इसलिए है कि शाही दरबार में आपको शर्मसार न होना पड़े। हालांकि ये बादशाह दारे नापायदार यानी कमजोर दुनिया का बादशाह और उसके अहले दरबार आप जैसे ही इंसान गैर मुख्तार यानी बे इख्तियार है। अब जरा गौर फरमाइए, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह पाक के दरबार शाही में जब हाजिरी होगी, वहाँ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और औलियाए उज़्ज़ाम रहिमहुमुल्लाह ताला भी होंगे। वहाँ के लिए आपने बातिन की आराइश व ज़ेबाइश का भी कुछ इंतज़ाम फरमाया है? क्या वहाँ गुनाहों की गंदगियों और बदकारियों की बदबुओं के साथ आप हाजिरी देंगे? वो मालदार शख्स निहायत तवज्जो के साथ आपके इरशादात सुन रहा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उससे पूछा, क्या आपने कभी अपने घोड़े पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डाला है? अर्ज की, जी नहीं। फरमाया, आप अपने घोड़े पर तो तर्स खाते हैं मगर अपने कमजोर वजूद पर रहम नहीं करते कि मुसलसल उस पर गुनाहों का बोझ लादे चले जा रहे हैं। सोचिए तो सही, इसी तरह गुनाहों भरी जिंदगी गुजारी तो मरने के बाद क्या अंजाम होगा? मालदार आदमी आपकी इनफरादी कोशिश और नेकी की दावत से बेहद मुतासिर हुआ, घोड़े से उतरकर आपका मुरीद हुआ और अल्लाह वाला बन गया। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातिमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताज़ा जुर्म है,
नातुआ के सर पे इतना बोझ भारी, वाह वाह। शरहे कलाम रजा, मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस शेर में फरमाते हैं, ए बदकार नफ्स, तेरे जुल्म व सितम की भी अब हद हो गई। तू हर लम्हा मेरी खताओं में बराबर इजाफा करवाता और मुझ कमजोर तरीन बंदे के सर पर गुनाहों का भारी बोझ लदवाता चला जा रहा है। मालूम हुआ नफ्से अम्मारा यानी गुनाह व बुराई पर उभारने वाला नफ्स हमारा दुश्मन है। हमें हर आन इसकी चालों से चौकन्ना रहना जरूरी है। आह, हर लम्हा गुनाह की कसरतों भरमार है, गलबे शैतान है और नफ्से बद अतवार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज में कैसा लिबास होना चाहिए? प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने औलियाउल्लाह रहमहुमुल्लाह ताला सरमायादारों और मालदारों की खुशामदों और चापलूसियों के बजाय उनको इस्लाह के मदनी फूलों से नवाजते और उन्हें दो टोक नसीहतें फरमाते थे। दौलतमंदों की खुशामद वो करे जिसको उनसे दुनिया की जलील दौलत पाने की हवस हो। अहलुल्लाह कनाअत की मदनी दौलत से माला माल होते हैं। इनकी नज़र दौलतमंदों के फानी माल पर नहीं, रहमत रब्बे जुल जलाल पर होती है। याद रहे, अहले माल व सरवत की बसबब दौलत ताजीम की सख्त ममानअत है। चुनांचे मनकूल है, जो किसी गनी की इसके गिना यानी मालदारी के सबब तवाजो करे, उसका दो तिहाई दीन जाता रहा। बयान करदा हिकायत में आखिरत की फिक्र दिलाई गई है कि हुक्मरानों, वजीरों और अफसरों के सामने जाते हुए तो लिबास वगैरह दुरुस्त किया जाता और खूब टिप टॉप और जीनत इख्तियार की जाती है, मगर अल्लाह पाक की मुकद्दस बारगाह में पेश होने के लिए एहतमाम का कोई जहन ही नहीं। हम दुनिया के किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं या ऐसी जगह जाना होता है जहां बहुत सारे लोग हमें देखने वाले हों, तो सर के बाल, लिबास, इमामा, चादर वगैरह खूब एहतियात के साथ दुरुस्त करते हैं, मगर नमाज जो कि परवरदगार के अजमत वाले दरबार की हाजिरी का मौका है, उस वक्त जीनत का कोई एहतमाम नहीं करते। कम अज कम इतना तो हो कि किसी बड़े आदमी के पास या दावत तआम में जाते हुए इंसान जो लिबास पहनता है वही मस्जिद की हाजिरी में पहन लिया करे। मस्जिद की हाजिरी के लिए जीनत करने के मुतालिक कुरान करीम पारा 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है, खुदो जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन। तर्जमाए कंजुल ईमान, अपनी जीनत लो जब मस्जिद में जाओ। नमाज के लिए इत्र लगाना मुस्तहब है। सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, यानी लिबास जीनत और एक कौल ये है कि कंघी करना, खुशबू लगाना दाखिले जीनत है और सुन्नत ये है कि आदमी बेहतर हैयत यानी उम्दा सूरत व हालत के साथ नमाज के लिए हाजिर हो, क्योंकि नमाज में रब से मुनाजात है, तो इसके लिए जीनत करना, इत्र लगाना मुस्तहब है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि जमाने जाहिलियत में दिन में मर्द और औरतें रात में नंगे होकर तवाफ करते थे। इस आयत में सत्र छुपाने और कपड़े पहनने का हुक्म दिया गया और इसमें दलील है कि सत्र औरत नमाज व तवाफ और हर हाल में वाजिब है। या अल्लाह नमाजी बना के 14 हरूफ की निस्बत से नमाज में लिबास के अहकाम पर मबनी 14 मदनी फूल। दौरान नमाज लिबास पहनना। नंबर 1, दौरान नमाज कुर्ता या पाजामा पहनने या तहबंद बांधने से नमाज टूट जाती है। नंबर 2, दौरान नमाज सत्र खुल जाने और इसी हालत में कोई रुकन अदा करने या 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार वक्फा गुजर जाने से भी नमाज फासिद हो जाती यानी टूट जाती है। कंधों पर चादर लटकाना। नंबर 3, नमाज में सदल यानी कपड़ा लटकाना मकरूह तहरीमी है,
मसलन सर या कंधे पर इस तरह से चादर या रुमाल वगैरह डालना कि दोनों किनारे लटकते हों। हाँ, अगर एक किनारा दूसरे कंधे पर डाल दिया और दूसरा लटक रहा है तो हरज नहीं। नंबर 4, आजकल बाज लोग एक कंधे पर इस तरह रुमाल रखते हैं कि इसका एक सिरा पेट पर लटक रहा होता है और दूसरा पीठ पर। इस तरह नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नंबर 5, दोनों आस्तीनों में से अगर एक आस्तीन भी आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हुई हो तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नंबर 6, दूसरा कपड़ा होने के बावजूद सिर्फ पाजामे या तहबंद में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नंबर 7, नमाज में कुर्ते वगैरह के बटन खुले होना जिससे सीना खुला रहे मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर नीचे कोई और कपड़ा है जिससे सीना नहीं खुला तो मकरूह तंजीही है। नंबर 8, जानदार की तस्वीर वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। नमाज के अलावा भी ऐसा कपड़ा पहनना जायज नहीं। मकरूह तहरीमी की तारीफ, ये वाजिब का मुकाबिल यानी उलट है। इसके करने से इबादत नाकिस हो जाती है और करने वाला गुनाहगार होता है। अगरचे इसका गुनाह हराम से कम है और चंद बार इसका इर्तिकाब यानी अमल में लाना कबीरा गुनाह है। मकरूह तहरीमी हो जाने वाली नमाज वाजिबुल इयादा होती है, यानी ऐसी नमाज को नए सिरे से पढ़ना वाजिब होता है। मकरूह तहरीमी की ऐसी सूरतें भी हैं जिनमें सजदे सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। इसकी तफसीली मालूमात के लिए आशिकाने रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब नमाज के अहकाम 496 सफहात का मुतालाआ कीजिए। नंबर 9, दूसरे कपड़े मुयसर होने के बावजूद कामकाज के लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है। नंबर 10, उल्टा कपड़ा पहनकर या ओढ़ कर नमाज मकरूह तंजीही है। नंबर 11, सुस्ती से नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है। नमाज में टोपी या इमामा शरीफ गिर पड़ा तो उठा लेना अफजल है, जबकि अमले कसीर की हाजत न पड़े वरना नमाज फासिद हो जाएगी। और बार बार उठाना पड़े तो छोड़ दे, और न उठाने से खुशू मकसूद हो तो न उठाना अफजल है। नंबर 12, अगर कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा हो या उसकी टोपी गिर पड़ी हो तो उसको दूसरा शख्स टोपी न पहनाए। अमले कसीर की तारीफ, अमले कसीर नमाज को फासिद यानी तोड़ देता है, जबकि न नमाज के आमाल से हो न ही इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो। जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि ये नमाज में नहीं है, बल्कि अगर गुमाने गालिब हो कि नमाज में नहीं तब भी अमले कसीर है, और अगर दूर से देखने वाले को शक व शुबा है कि नमाज में है या नहीं तो अमले कलील है और नमाज फासिद न होगी। हाफ आस्तीन में नमाज पढ़ना कैसा? 13, आधी आस्तीन वाला कुर्ता या कमीज पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है, जबकि उसके पास दूसरे कपड़े मौजूद हो। हजरत सदर शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिसके पास कपड़े मौजूद हो और सिर्फ नीम आस्तीन यानी आधी आस्तीन या बनियान पहनकर नमाज पढ़ता है तो कराहत तंजीही है, और कपड़े मौजूद नहीं तो कराहत भी नहीं। नंबर 14, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत किबला मुफ्ती वकारुद्दीन कादरी रजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हाफ आस्तीन वाला कुर्ता कमीज या शर्ट कामकाज करने वाले लिबास के हुक्म में शामिल है कि कामकाज वाला लिबास पहनकर इंसान मुअज्जिज़ीन के सामने जाते हुए कतराता है। इसलिए जो हाफ आस्तीन वाला कुर्ता पहनकर दूसरे लोगों के सामने जाना गवारा नहीं करते उनकी नमाज मकरूह तंजीही है, और जो लोग ऐसा लिबास पहनकर सबके सामने जाने में कोई बुराई महसूस नहीं करते उनकी नमाज मकरूह नहीं। मकरूह तंजीही की तारीफ, जिसका करना शरा को पसंद नहीं मगर न इस हद तक ना पसंद कि इस पर वईद अजाब फरमाए, ये सुन्नत गैर मौकिदा के मुकाबिल है। मकरूह तंजीही हो जाने वाली नमाज दोबारा पढ़ लेना बेहतर है, अगर न पढ़ी तो गुनाहगार नहीं।
मेरे दिल से दुनिया की चाहत मिटाकर कर उल्फत में अपनी फना या इलाही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी काफले ने मुझे बदल कर रख दिया। नेकी की दावत का बेअंदाजा सवाब कमाने की अपने अंदर हिर्स उजागर करने के लिए दावत इस्लामी के दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए और पाबंदी के साथ हर माह कम अज कम 3 दिन आशिकाने रसूल के साथ मदनी काफले में सुन्नतों भरा सफर करते रहिए। आइए, आपका शौक बढ़ाने के लिए आपको एक मदनी बहार सुनाता हूँ। चुनांचे इलाका अंधेरी मुंबई अल हिंद के एक इस्लामी भाई के बयान का लुब्बे लुबाब है। मैं स्कूल की नवी क्लास में जेरे तालीम था। मॉडर्न और बिगड़े हुए लड़कों से दोस्ती हो गई और मैं तरह तरह की बुराइयों में गिरफ्तार हो गया, जिनमें चरस, गांजा, शराब और लड़कियों से इश्क लड़ाना वगैरह शामिल है। हत्ता कि एक बार घर की पेटी यानी नकदी रखने का संदूक चाह तोड़कर रकम निकालकर गोवा नामी शहर भाग गया। बिल आखिर वापस घर आ गया। स्कूल को खैरबाद कहकर एसी की रिपेयरिंग का काम सीखना शुरू कर दिया। चंद माह के बाद दावत इस्लामी वाले एक आशिक रसूल ने मुझे हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमा की दावत दी, मगर मैंने टाल दिया। उस बेचारे ने कई बार मुलाकातें करके मुझ पर इंफरादी कोशिश की, मगर मैं इज्तिमा में जाने के लिए राजी न हुआ। एक बार वही इस्लामी भाई मेरे बड़े भाई पर इंफरादी कोशिश कर रहे थे कि मैं वहां पहुंच गया। भाईजान ने उस इस्लामी भाई से अपने लिए माजिरत चाहते हुए मेरी तरफ रुख करके कहा, तुम मदनी काफले में चले जाओ। मैं ना कहने वाला था कि मुंह से बेसाख्ता हाँ निकल गई। हालांकि मैं ये तक नहीं जानता था कि मदनी काफला होता क्या है। बहरहाल मैंने तैयारी कर ली और आशिकाने रसूल के साथ सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफले में सफर पर रवाना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी काफले ने मुझे बदल कर रख दिया। मेरी आंखें खुल गई, गुनाहों से नफरत और नेकियों से प्यार हो गया। मैंने गुनाहों भरी जिंदगी से तौबा की, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दी। मदनी काफले ने गुनाहों भरे माहौल में पलने वाले मुझ सख्त नाफरमान बंदे को नमाजी और सुन्नतों का आदी बना दिया। ये बयान देते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनियाए अहले सुन्नत की अजीम तरीन दरसगाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर यूपी हिंद में दरसे निजामी करने की सआदत पा रहा हूँ। छूट जाए गुनाह आप पाए पनाह, थोड़ी हिम्मत करे काफिले में चलो, तुम सुधर जाओगे गर इधर आओगे, सीखने सुन्नते काफिले में चलो। फजले मौला से जब आएंगे पाएंगे जज्बाए इल्म दी काफिले में चलो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल जामियातुल अशरफिया और इसके बानी का मुख्तसर तारुफ। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने मुबल्लिग दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश की इस्तेकामत की बरकत से बिल आखिर मुआशरे का बिगड़ा हुआ, गुनाहों में लिथड़ा हुआ नशाई नौजवान दीनी माहौल से वाबस्ता होकर जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर हिंद में दाखिला लेकर तालिब इल्म दीन बन गया। हुसूल बरकत के लिए बनियत सवाब माहनामा अशरफिया हाफिज मिल्लत नंबर रजबुल मुरज्जब 1398 हिजरी बमुताबिक जून 1978 ईस्वी की मदद से जामियातुल अशरफिया और इसके बानी का जिक्र खैर करने की सआदत हासिल करता हूँ। अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर दुनियाए अहले सुन्नत की अजीमुशान दीनी दरसगाह है, जो हिंद के सूबा यूपी के जिला आजमगढ़ के कस्बे मुबारकपुर शरीफ में वाके है। इस अजीमुशान दीनी दरसगाह के बानी उस्ताजुल उलमा जलालतुल इल्म हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह 29 शव्वालुल मुकर्रम 1352 हिजरी बमुताबिक 14 जनवरी 1934 ईस्वी में अपने उस्ताज मुकर्रम सदरुश शरिया बदरुत तरीका
हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म पर तकमील दरसियात के बाद मुबारकपुर तशरीफ लाए। उस वक्त यहाँ एक मदरसा मिसबाहुल उलूम के नाम से कायम था। हजरत हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की अनथक कोशिशों के बाइस अल्लाह पाक ने इसी छोटे से मदरसे में बरकत अता फरमाई और बिल आखिर ये मदरसा एक कद आवर फलदार दरख्त की हैसियत इख्तियार कर गया और जामिया अशरफिया के नाम से मुतारिफ हुआ। इस इदारे से फारिग तहसील होने वाले हजरात इसके कदीम नाम मिसबाहुल उलूम की निस्बत से मिसबाही कहलाते हैं। सुन्नत की महब्बत। हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने हर अमल में सुन्नत का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करते थे। एक बार हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दाएं पांव में जख्म हो गया। एक साहिब दवा लेकर पहुंचे और कहा, हजरत दवा हाजिर है। जाड़े यानी सर्दियों का जमाना था। हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह मोजा पहने हुए थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पहले बाएं यानी उल्टे पांव का मोजा उतारा। वो साहिब बोल पड़े, हजरत जख्म तो दाहिने यानी सीधे पांव में है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, बाएं यानी उल्टे पांव का पहले उतारना सुन्नत है। हाफिज़े मिल्लत की करामत। अल जामियातुल अशरफिया के बानी हाफिज़े मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग थे। सवानेह निगारों ने आपकी कई करामात बयान की है। इनमें से ये भी है, जामिया मस्जिद मुबारक शाह भी पहले मुख्तसर ही थी और बोसीदा भी हो गई थी। आबादी की वसअत के लिहाज से मस्जिद का वसी होना भी जरूरी था। बहरहाल पुरानी मस्जिद शहीद करके नई बुनियादें भरी गई और मस्जिद की तौसी का काम शुरू हुआ। मुबारकपुर के मुसलमानों ने बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ इस तामीर में भी हिस्सा लिया। हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस काम के भी रहनुमा और सरबराह थे। हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामिया मस्जिद के लिए पूरी तवज्जो और मेहनत से चंदे की फराहमी की। मुबारकपुर में काफी जोशो खरोश था। गुर्बत के बावजूद मुसलमान अपनी दीनी हमीयत का पूरा पूरा सबूत दे रहे थे। मर्दों ने अपनी कमाई और औरतों ने अपने जेवरात वगैरह से इमदाद की। छत पड़ने के बाद हाजी मोहम्मद उमर निहायत परेशानी के आलम में दौड़े हुए हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और कहा, हाफिज साहिब, जामिया मस्जिद की छत नीचे आ रही है, अब क्या होगा। हाजी साहिब ये कहते कहते रो पड़े। हजरत हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन उठे, वुजू किया और हाजी साहिब के साथ घर से बाहर निकले और अपने पड़ोसी खान मोहम्मद साहिब को हमराह लिया। जामे मस्जिद पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हुए लकड़ी की चंद बल्लियां लगा दी, यानी लंबे बांस या लकड़ी के थम लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि छत न सिर्फ बराबर और दुरुस्त हो गई बल्कि आज देखिए तो ये पता भी न लग सकेगा कि किस हिस्से की छत झुक रही थी। हाफिज मिल्लत की बाज आदात मुबारक। वुजू करने के लिए बैठना होता तो किबला रुख बैठते। हजरत रहमतुल्लाह ताला अली का पाजामा कभी इतना लंबा न देखा गया कि टखना छुप जाए। सच तो यह है कि आप रहमतुल्लाह ताला अली की वजह और लिबास का अंदाज देखकर लोगों को शरई वजह समझ में आ जाती थी। सफर व हजर में यानी सफर में होते या वतन के अंदर हर जगह हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अली की प्यारी प्यारी अदाओं में से ये भी था कि खाने से पहले और बाद दोनों हाथ गिट्टे तक धोते और लुकमा खूब चबाकर खाते। खाना ख्वाह मिजाज के मुआफिक हो या ना मुआफिक उसमें ऐब न निकालते। खाने के बाद फौरन पानी न पीते बल्कि कुछ वक्फे के बाद पीते। इसी तरह पानी जब भी पीते चूस कर तीन सांस में पीते। सुरमा लगाने की बरकत से बुढ़ापे में भी बीनाई तेज थी।
हुजूर हाफिज़े मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र शरीफ 70 साल से मुतजाविज यानी ऊपर हो चुकी थी। उस वक्त का वाकिया है, ट्रेन से सफर कर रहे थे, जिस बर्थ पर तशरीफ फरमा थे इत्तेफाक से उस पर एक डॉक्टर साहिब भी बैठे थे। डॉक्टर साहिब ने सिलसिलाए कलाम शुरू किया तो आप रहमतुल्लाह ताला अली की जलालत इल्मी से बहुत मुतासिर हुए और बार बार आप रहमतुल्लाह ताला अली की तरफ हैरत से देखते रहे। दौरान गुफ्तगु डॉक्टर साहिब ने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मौलाना साहिब, मैं आँखों का डॉक्टर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस उम्र में भी आपकी बीनाई में कोई फर्क नहीं, बल्कि आपकी आंखों में बच्चों की आंखों जैसी चमक है। मुझे बताइए कि इसके लिए आखिर क्या चीज इस्तेमाल करते हैं। फरमाया, डॉक्टर साहिब, मैं कोई खास दवा वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करता, हाँ एक अमल है जिसे मैं बिला नागा करता हूँ, रात को सोने के वक्त सुन्नत के मुताबिक सुरमा इस्तेमाल करता हूँ और मेरा यकीन है कि इस अमल से बेहतर आंखों के लिए दुनिया की कोई दवा नहीं हो सकती। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। आमीन बिजाही खातमिन नबीगीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसलके आला हजरत का एक गुलिस्तां, इल्म सदरु शरिया का बहरे रवां, इल्म से जिसके सैराब सारा जहां, लहलहाने लगा दीन का बोसता, जिस तरफ देखिए इस कदम के निशान, हाफिज़े दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस्मत के चार हरूफ की निस्बत से सुरमा लगाने के चार मदनी फूल। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर हाफिज़े मिल्लत की सुन्नत से मोहब्बत मरहबा, और सुन्नत की मोहब्बत में सुन्नत के मुताबिक सुरमा लगाने की बरकत दुनिया में भी बीनाई की हिफाजत की सूरत में जाहिर हुई। अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप भी रोज़ाना सुन्नत के मुताबिक सुरमा लगाने की नीयत कीजिए। आपकी आसानी के लिए आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के रिसाले 101 मदनी फूल सफहा 27-28 से सुरमे के बारे में चार मदनी फूल आपकी तरफ बढ़ाता हूँ, कबूल फरमा कर अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। नंबर 1, सुनन इब्ने माजा की रिवायत में है, तमाम सुरमों में बेहतर सुरमा इस्मिद है कि ये निगाह को रोशन करता और पलके उगाता है। नंबर 2, पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हरज नहीं और सियाह सुरमा या काजल बकस्दे जीनत यानी जीनत की नियत से मर्द को लगाना मकरूह है और जीनत मकसूद न हो तो कराहत नहीं। नंबर 3, सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। नंबर 4, सुरमा इस्तेमाल करने के 3 मनकुल तरीकों का खुलासा पेश खिदमत है। नंबर 1, कभी दोनों आंखों में 3-3 सलाइयां। नंबर 2, कभी दाई यानी सीधी आंख में 3 और बाई यानी उल्टी में 2। नंबर 3, तो कभी दोनों आंखों में 2-2 और फिर आखिर में 1 सलाई को सुरमे वाली करके उसी को बारी बारी दोनों आंखों में लगाइए। इस तरह करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तीनों पर अमल होता रहेगा। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, तकरीम यानी इज्जत व बुजुर्गी के जितने भी काम होते हैं सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से शुरू किया करते, लिहाजा पहले सीधी आंख में सुरमा लगाइए फिर बाईं आंख में। तरह तरह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की 2 कुतुब बहार शरीयत हिस्सा 16 312 सफहात, नीज 120 सफहात की किताब सुन्नते और आदाब हदीयतन हासिल कीजिए और पढ़िए। सुन्नतों की तरबियत का एक बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के मदनी काफलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तिलावत कुरान करते हुए रोना।
कुरान करीम की तिलावत करते हुए रोना मुस्तहब है। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, कुरान पाक की तिलावत करते हुए रोओ और अगर रो न सको तो रोने की सी शक्ल बनाओ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, सवाब जारिया की नीयत से इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर वो भी इस पर अमल करेंगे तो उनको तो सवाब मिलेगा, साथ ही आपको भी इसकी ढेरों नेकियां मिलेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।